हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम कर रहे हैं मिसलेनियस के दो बट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखने हैं। फॉर्मूला नंबर 19, टू साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फिर टू कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, फिर टू कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड द लास्ट वन माइनस टू साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इन फॉर्मूलास का हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल 26 न्यू बुक्स में एग्जाम्पल नंबर 21 क्या है? प्रूव दैट कॉस 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2 इज इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। बट एक बात जान लो, जब भी cos या sin के दो टर्म्स मल्टीप्लाई में दिख जाए तो समझ जाना इनमें से कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा। और वैसे से समझ लो एक रामबाण है, दो टर्म्स तो ऑलमोस्ट हर किसी में मल्टीप्लाई होती होती है, लाइक कॉस एक्स साइन टू एक्स, ठीक है, हमारा पिछला वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कैसे वो बताऊंगा। अब नोटिस करो यहां क्या है मेरे पास, कॉस टू एक्स कॉस एक्स बाय टू माइनस कॉस थ्री एक्स कॉस 9x by 2। नोटिस करो मेरा कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है, देखो बड़ा मिलता जुलता है इससे, ये वाला नहीं बन रहा 21, 2 cos a cos b, इस फॉर्मूले के लिए बट मिसिंग क्या है 2 cos a cos b के लिए, फॉर्मूला लिख देते पहले 2 cos a cos b, फॉर्मूला है मेरा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कुछ मिसिंग है। अगर आप देखो, अगर यहां टू होता तो मेरा फॉर्मूला बन जाता, तो बस क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, वन बाय टू बाहर और मल्टीप्लाई कर दो टू से, टू कॉस टू एक्स इंटू कॉस एक्स बाय टू माइनस, जब टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो सभी पे होगा, यानी इस टू को मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। कैसे देखो, ये टू है ना, कॉस टू एक्स कॉस एक्स बाय टू माइनस कॉस थ्री एक्स कॉस नाइन एक्स बाय टू, अब टू मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला टू मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, वन बाय टू बाहर, टू कॉस टू एक्स इंटू कॉस एक्स बाय टू माइनस टू कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस नाइन एक्स बाय टू। अब फॉर्मूला एप्लीकेबल है, देखो टू कॉस ए कॉस बी लगा दो, वन बाय टू कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए हो गया 2x, b हो गया x बाय टू, कॉस 2x प्लस x बाय टू प्लस कॉस 2x माइनस x बाय टू माइनस, अगेन यहां पे भी अप्लाई हो जाएगा 2 cos a cos b वाला,
ब्रैकेट, गलती ब्रैकेट नहीं बनाते, टू कॉस ए यानी कॉस थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स बाय टू प्लस कॉस थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स बाय टू, करो अप्लाई जरा, वन बाय टू एलसीएम लोगे तो कॉस फाइव एक्स बाय टू, यहाँ पे करो प्लस कॉस थ्री एक्स बाय टू माइनस कॉस फिफ्टीन एक्स बाय टू, इसको करो माइनस कॉस माइनस थ्री एक्स बाय टू, कॉस के अंदर नेगेटिव, कॉस में नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो क्या बनेगा वन बाय टू कॉस फाइव एक्स बाय टू प्लस कॉस थ्री एक्स बाय टू माइनस कॉस फिफ्टीन एक्स बाय टू माइनस कॉस थ्री एक्स बाय टू, कट गया। अब बचा क्या मेरे पास, वन बाय टू कॉस फाइव एक्स बाय टू माइनस कॉस फिफ्टीन एक्स बाय टू, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू। नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं, वन बाय टू कॉस फाइव एक्स बाय टू, फिर क्या था माइनस कॉस फिफ्टीन एक्स बाय टू माइनस कॉस फिफ्टीन एक्स बाय टू, सो वन बाय टू माइनस टू साइन ए प्लस बी फाइव एक्स बाय टू प्लस फिफ्टीन एक्स बाय टू अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी फाइव एक्स बाय टू माइनस फिफ्टीन एक्स बाय टू अपॉन में टू, सॉल्व करो ये टू से कट गया माइनस साइन फाइव और फिफ्टीन दैट इज ट्वेंटी, ट्वेंटी बाय टू टेन, तो टेन एक्स बाय टू ये कट जाएगा साइन फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस टेन बाय टू माइनस फाइव, तो माइनस फाइव एक्स बाय टू। अब साइन के अंदर नेगेटिव, साइन क्या करता है, साइन का अगर एंगल नेगेटिव हो तो बाहर निकाल देता है माइनस साइन थीटा, सो ऑलरेडी एक माइनस यहां पर है और एक इसका आ जाएगा माइनस साइन फाइव एक्स इंटू साइन फाइव एक्स बाय टू, ये जगह साइन फाइव एक्स इंटू साइन फाइव एक्स बाय टू हो गया आर एच एस, हेंस प्रूफ। अब इसके बाद